आइए आइए, इसको आप टच करिए, टच करके बताइए ये गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। गर्म है, गर्म है। इसको भी टच करिए, ये ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा गर्म है। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, तो मैंने पहले ही कॉनिकल फ्लास्क में ये कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करती है या नहीं करती है। तो देखिए, हम जैसे इसमें स्लोली स्लोली वाटर ऐड करते हैं, जैसे हम इसको छूते हैं, पड़ता है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा फ्लास्क है ये गर्म हो चुका है, चारों तरफ से गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, इसमें से हीट रिलीज हो रही है, और जब जब रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या करा था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और वाटर लिया। जैसे कैल्शियम वाटर में एड करते हैं तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और जैसे स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज जब जब रिएक्शन में होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको तो पता नहीं पड़ रहा कि एक्चुअल में यहाँ पे हीट रिलीज हुई है नहीं।